बादल मंडराने शुरू हो गए दोस्तों। जहाँ तमिलनाडु में जहाँ बीजेपी की सरकार भी नहीं है, वहां ऐसा लग रहा है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि पार्टी के जो नेता है वो ऐसी ऐसी करामात कर रहे हैं, ऐसी ऐसी करतूतें कर रहे हैं कि उससे पार्टी का नाम तो खराब हो ही रहा है, वहीं 2024 में चुनाव जीतने के आसार भी कम नजर आ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों तमिलनाडु में बीजेपी के अंदर खाने जो बवाल मचा हुआ है वो बेहद हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इस बवाल की जो तस्वीरें हैं वो साफ सीधे तौर पर पार्टी के मुख्यालय में कार्यालय में नजर आ रही है। दोस्तों पूरा मामला सीधे तौर पर पार्टी में दो गुटों के बीच मारपीट का मामला है, और कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, किधर जाकर खत्म हुआ, ये आपको पूरा मामला क्या है बताते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको इस वक्त मैं इससे जुड़ी खबर दिखा रही हूं। उस खबर के मुताबिक बीजेपी के अंदर खाने गुटबाजी चल रही है पहली बात तो, और भाजपा गुटों के बीच पार्टी पदों को लेकर विवाद चल रहा है। ये तब दिखाई दिया जब भाजपा नेताओं के दो गुटों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। जी हां, तमिलनाडु बीजेपी की एक बैठक चल रही थी और बैठक के बीच में हुआ ये कि दो गुट आपस में भिड़ गए, और इतना ज्यादा भिड़ गए कि एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी जानी शुरू हो गई। मामला इतना ज्यादा खराब हो गया कि झड़प जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन उससे पहले इस कुर्सी फेंकने वाले कार्यक्रम का वीडियो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद पूरा मामला तफ्तीश से आपको बताएंगे, जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए दोस्तों, जहां बीजेपी के दो गुटों के नेता एक दूसरे पर ही कुर्सियां फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों आप। तो जैसा आपने देखा कि तमिलनाडु में बीजेपी के दो गुट बट गए पहली बात तो, और ये जो गुट हैं ये पदों को लेकर है, मतलब किसको क्या पद मिलना चाहिए इस बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई है। इतनी ज्यादा मारपीट शुरू हो गई कि कुर्सी फेंका जाना शुरू हो गया। वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से हवा में कुर्सियां उछाली जा रही है, पंखे में कुर्सियां लग रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके दो गुट के नेता जो है वो आपस में भिड़े हुए हैं और एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकना बंद नहीं कर रहे थे। वीडियो में आपने देखा होगा। पूरा मामला क्या है वो आपको समझाते थे दोस्तों। देखिए खबर कहती है कि तमिलनाडु के ऋषि वंधियम, शंकरपुरम और कल्ला कुरुची निर्वाचन क्षेत्रों के लिए शक्ति केंद्र पदों के अनुमति देने के लिए शंकरपुरम के एक वेडिंग हॉल में भारतीय जनता पार्टी की बैठक बुलाई गई थी। अब उस बैठक में हुआ क्या, ये सुनिए। बैठक में हुआ ये कि यहां बैठक के दौरान कल्ला कुरुची जिला भाजपा प्रमुख ने कथित तौर पर शक्ति केंद्र के सदस्यों के नामों में बदलाव किया था। इसको लेकर अरूर रवि और वेस्ट यूनियन सचिव रामचंद्रन के समर्थकों के बीच बहस हो गई, दोनों के बीच बहस हो गई। अब बहस इस कदर बढ़ गई कि अरूर रवि और रामचंद्रन के समर्थकों द्वारा एक दूसरे पर कुर्सियां फेंके जाने के कारण बहस जो है भीषण झड़प में तब्दील हो गई दोस्तों। और झड़प कैसी हुई वो आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से झड़प हुई है और किस तरह से एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी जानी शुरू हो गई थी। और ये जो लड़ाई है ये पदों को लेकर है, पदों को लेकर खींचतान की लड़ाई है। देखिए बीजेपी के आलाकमान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो दिल्ली का आलाकमान ये कहता है कि बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके अंदर खाने क्या चलता है ये बाहर सामने नहीं आने दिया जाता, क्योंकि हम एक पार्टी में एक कैडर है, एक के बाद एक कैडर है और एक के बाद एक पद है, तो आप अपनी समस्या जो है सीधे तौर पर आलाकमान द्वारा आलाकमान के पास पहुंचा सकते हैं और वो उसका निष्कर्ष निकालेंगे, वो उसका हल निकालेंगे। लेकिन अगर हल निकाला गया होता तो तमिलनाडु में अंदर खाने इस तरीके से बवाल नहीं मचा होता, और ये बवाल की तस्वीरें तो साफ सीधे तौर पर नजर आ रही है, झूठी तो है नहीं, तमिलनाडु से ही सामने आ रही है। और ये वही तमिलनाडु है दोस्तों जहां बीजेपी है भी नहीं। सोचिए कि विधानसभा चुनाव में जो पार्टी जीत नहीं सकी वो लोकसभा चुनाव में इस तरीके से अंदर खाने की गुटबाजी को लेकर चुनाव जीतेगी क्या?
ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। इसीलिए जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी होने चाहिए और विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी होने चाहिए, लेकिन चुनाव क्या आप ऐसे जीतेंगे, इस तरह से जीतेंगे जहां आपके आपके अपने नेता एक दूसरे पर कुर्सियों से वार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि तमिलनाडु में 2024 में बीजेपी को झटका लग सकता है, इस बात का अंदेशा सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के बाद नहीं लगाया जा रहा है, इस बात का अंदेशा इससे पहले भी लगाया गया जब बीजेपी को एक महिला नेत्री ने झटका दिया, जो कि 2014 से लेकर अब तक पार्टी में बनी हुई थी, लेकिन 2022 में उनको निलंबित किया गया और उसके बाद जब वो पार्टी से निकली है तो उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों इस वक्त मैं आपकी स्क्रीन पर आपको उन्हीं नेत्री से जुड़ी खबर दिखा रही हूं, जिस खबर के मुताबिक जिन नेत्री ने पार्टी छोड़ी उनका नाम गायत्री बताया जा रहा है, गायत्री रघुराम, जी हाँ दोस्तों गायत्री रघुराम उनका नाम बताया जा रहा है, जो कि सीधे तौर पर बताई जा रही है कि महिला नेत्री थी और उनको सांस्कृतिक शाखा का प्रमुख भी बनाया गया था। तमिलनाडु बीजेपी को इससे पहले झटका लग चुका है, बीजेपी की महिला नेता पार्टी छोड़ी थी, साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्ना मलाई पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। तमिलनाडु से बीजेपी नेता रघुराम, गायत्री रघुराम, उन्होंने पार्टी छोड़ी और साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान बिल्कुल नहीं होता है। गायत्री रघुराम पार्टी की सांस्कृतिक शाखा की प्रमुख थी, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों। अब उन्होंने क्या और आरोप लगाया था यह भी सुनिए। गायत्री रघुराम ने इसे लेकर ट्वीट किया था बाकायदा, और ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मैंने भारी मन से तमिलनाडु बीजेपी से इस्तीफा देने का फैसला लिया है, क्योंकि महिलाओं को अपनी बात रखने का अधिकार अक्सर और समान अधिकार और सम्मान नहीं दिया जाता है पार्टी में। अन्नामलाई के नेतृत्व में महिला सुरक्षित नहीं है, उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा सच्चे कार्यकर्ताओं की किसी को परवाह नहीं है, सच्चे कार्यकर्ताओं को भगाना ही अन्नामलाई का एकमात्र लक्ष्य है, बीजेपी को मेरी शुभकामनाएं है। वह यहां सीधे तौर पर शुभकामनाएं देते हुए पार्टी उन्होंने छोड़ दी, और यह तब हुआ है जब तमिलनाडु में भी लोकसभा चुनाव को मैच आप समझ सकते हैं एक साल का समय बच गया है। अब एक साल में ये क्या क्या होने वाला है दोस्तों, और कैसे कैसे बीजेपी का साथ बीजेपी का दामन छोड़कर नेता जाने वाले हैं, ये अभी से नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी में पदों को लेकर खींचतान इस कदर बढ़ गई है कि मारपीट पर बात आ गई है और कुर्सी से जवाब दिया जा रहा है एक दूसरे को, कुर्सी फेंकी जा रही है एक दूसरे पर। अब सोचिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है, जो पार्टी इस देश की सत्ता में विराजमान है उस पार्टी के अंदर खाने इस कदर बवाल मच रहा है। देखिए बीजेपी की जो नेत्री गायत्री रघुराम है, उन्होंने जब पार्टी छोड़ी थी दोस्तों उससे पहले ही उनको 2022 में निलंबित किया जा चुका था, और निलंबित कब किया था, निलंबित उनको किया था तब जब बीजेपी नेता त्रिचि सूर्या द्वारा एक महिला सहयोगी के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर गायत्री रघुराम ने विरोध जताया था और उन्हें पार्टी को बदनाम करने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए 6 महीने के लिए पार्टी ने निलंबित कर दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो पार्टी का कहना है कि उनके पार्टी से जाने से भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमने जितने भी हमारे पार्टी के नेता हैं कार्यकर्ता हैं उनको गायत्री रघुराम से कोई भी संपर्क रखने से मना किया है, कि किसी तरीके का संपर्क आप उस महिला नेत्री से नहीं रखेंगे, ये बात उनको कह दी गई थी, जिसके बाद अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है दोस्तों। साथ ही आरोप क्या लगाया है कि महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। वही बीजेपी पर यह आरोप लगा है जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वही बीजेपी जिनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की चोटी से कहते हैं कि महिलाओं का अपमान हम बार बार करते हैं और उससे हमें मुक्ति चाहिए होगी और इसीलिए हमें महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। आपको याद होगा दोस्तों 15 अगस्त का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो बयान, उसी बीजेपी पर इस तरीके के आरोप उन्हीं की महिला नेत्री ने लगाए हैं, जो कि काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि गायत्री रघुराम जो कि एक्टर रह चुकी हैं, कोरियोग्राफर रह चुकी हैं, 2014 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 2014 में वो राजनीति में आई थी, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, भाजपा में उनको सांस्कृतिक शाखा प्रमुख बनाया गया और फिर नवंबर 2022 में ये खबर आई कि उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। साफ तौर पर देखिए पार्टी से निलंबित किया गया, जिसके बाद अब उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और पार्टी क्या कहकर छोड़ा ये सबसे बड़ी बात है, जो कि बीजेपी पर कई सवाल खड़े करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में ही नजर आ रहा है, क्या ये कुर्सी वाली जो झड़प है ये सिर्फ तमिलनाडु में नजर आई है,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में हाल ही में मेयर के जो चुनाव को लेकर सिविक सेंटर में जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह बुलाया गया था और समारोह का आयोजन किया गया, जिस तरह से वहां आप समझ सकते हैं कि एक एक्ट का उल्लंघन करते हुए जो नॉमिनेटेड पार्षद थे उनको पहले शपथ दिलाई गई, उसका विरोध किया आम आदमी पार्टी ने, और फिर भाजपा ने जो रवैया अपनाया, भाजपा के लोगों पर रॉड चाकू छुरी लेकर सदन में जाने का आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी द्वारा। आप सोचिए कि ना सिर्फ तमिलनाडु बल्कि दिल्ली में भी ये जो रूप है भाजपा का, जो कि अपना 15 साल का एमसीडी का गढ़ हार गई, वो उस भाजपा का जो रूप है वो नजर आया है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में तगड़ा झटका लग सकता है, कई जगह तगड़ा झटका लग सकता है, और इसके उदाहरण एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसका आकलन करना हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है दोस्तों। जितना हम आकलन कर सकते थे हमने किया, अब इस पर आपका क्या विचार है ये आप हमें बताइएगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।